हेलो दोस्तों, सन्ना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है काले चनों की सब्जी। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे छोंक में जीरा। तो ये देखिए, जीरा हमारा पक गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, कटे हुए प्याज। अब इनको पकने देंगे, हल्का सा ब्राउन है तब। तो ये देखिए, हमारे प्याज का कलर चेंज हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। अब इनको भी थोड़ा पकने देंगे। ये देखिए, 2 चम्मच मैंने दही ले लिया है। अब हम इनके अंदर ऐड करेंगे मसाले। एक में करूँगी लाल मिर्ची ऐड। लाल मिर्ची तो मैं 1 चम्मच मिर्ची ऐड करूँगी, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं आप। तो अब इन सबको मिक्स करके इधर हमारे टमाटर और प्याज भी पक गए हैं। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इनके अंदर ऐड करेंगे दही। डालने से खटाई अच्छी आती है और मसाला भी अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब हम इनको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए, अच्छे से ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए, मसाले सारे पक गए हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इनके अंदर ऐड करेंगे जो हमारे बॉईल किए हुए चने हैं, इनको ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इनको ढक्कन लगा के 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे। जो ये पानी है वो भी सोख लेंगे और ये अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए, चने अच्छे से पक गए हैं। इनके अंदर का जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नागौरी मेथी, जो हमारी नागौर की बहुत प्रसिद्ध है। इनको थोड़ा सा हाथ से अच्छे से मसल के डालेंगे, जिससे खुशबू अच्छी आएगी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये देखिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो कम्प्लीटली हमारी चने की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप भी घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।